हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और आज हम लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर का जो अभी अभी पेपर हुआ है, डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट का, उसका फुल सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक की तरफ। झोंका रोग को प्राय कहते हैं, तो झोंका रोग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अमीर आदमी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कृषक फेज संबंधित है तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर एक सही होगा, ये सही होगा, धान का बीजाणु पर्ण झुलसा रोग। दोस्तों ये सीरीज है, आप अपनी सीरीज से मिला सकते हैं क्वेश्चन मैच करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन नंबर, अरहर के उकठा रोग को प्रबंधन करने की अच्छी विधि कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीला सिरा मोजेक रोग का प्रसारण होता है तो किसके द्वारा प्रसारण होता है दोस्तों? तो व्हाइट फ्लाई द्वारा होता है, सफ़ेद मक्खी द्वारा होता है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरहर का बंधता मोजेक विषाणु फैलता है तो किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? तो एमाइट के द्वारा फैलता है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झोंका रोग का कारक है तो झोंका रोग का कारक कौन सा है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, मैग्नेपार्थी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सात नंबर, खैरा रोग को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वाई एल नेने ने, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठ नंबर, ज्वार के दीर्घ कंड रोग का कारक है तो कौन सा कारक है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, टालिपो स्पोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौ नंबर, बाजरे का बाल हरित रोग का कारण है तो कौन सा है? स्क्लेरोस्पोरा गैमनिकोला, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस रोग कारक है कौन है? तो बाजरे का अर्गट रोग, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्यारह नंबर, बाल हरित रोग है तो कैसा दोस्तों ये रोग है? ये जो है रोग स्थानिक होगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरित बाली रोग को कहते हैं तो हरित बाली रोग को क्या डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं? ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरह नंबर दोस्तों, मूँगफली में पर्ण धब्बा रोग की सबसे हानिकारक स्पीसीज है तो हानिकारक स्पीसीज जो है वो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सर्कोस्पोरा रेसिडिकोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंगाटोका रोग है तो किसका है ये? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंद्रह नंबर, भारत में केले के बंची टॉप रोग का विषाणु आया था तो कहाँ से दोस्तों आया था? ये श्रीलंका से आया, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पपीते के पर्ण कर्ण विषाणु का प्रसारण होता है दोस्तों तो किसके द्वारा होता है? सफ़ेद मक्खी द्वारा होता है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा रोग जनक अमरूद में उकठा का कारण है? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा, फ्यूजिफॉर्मिस ऑक्सीस्पोरियम सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पपीते के फूट रॉट रोग का कारक है तो कौन सा है? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पीथियम अफेडिनी मेटल मेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोस्पियो स्पोरियम सिडी का रोग कारक है तो कौन सा है? अमरूद का एंथ्रेक्नोज है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीस नंबर दोस्तों, बंची टॉप विषाणु फैलता है तो बंची टॉप विषाणु किसके द्वारा? माहों के द्वारा फैलता है, एफिड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इक्कीस नंबर, टमाटर के अगेती झुलसा रोग का कारक है तो कौन सा है? अल्टरनेरिया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नींबू आकार की पैपिलेट सहित बीजाणुधानी बनती है तो कहाँ बनती है? फाइटोप्थोरा में बनती है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तेईस नंबर, संकेंद्रित घेरा एक प्रकार का लक्षण है तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है टमाटर का अगेती झुलसा का है, ऑप्शन ए बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल महामारी किस वर्ष में हुई थी? तो 1943 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धान के टुकड़ों रोग का रोग कारक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, धान के टुकड़ों रोग का प्रसारण होता है तो किसके द्वारा दोस्तों होता है? ये नेफोटेटिक्स वायरसेस द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैंगन की छोटी पत्ती रोग का कारक है तो कौन सा है? इसमें फाइटोप्लाज्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लांट डिजीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आर एस सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में भूरा धब्बा रोग का कारक है तो ऑप्शन नंबर इसमें जो दोस्तों है डी सही होगा, उपयुक्त सभी होंगे, हेलमेंटोस्पोरियम भी होगा, काकलियो बोलस भी होंगे, ड्रेसलेरा भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्टिलेगिनो इंडिया वायरनसेस रोग का कारक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा, धान का आभासी खंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धान के आभासी खंड को आभासी खंड क्यों कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू मोजेक वायरस में समिष्ट होता है तो क्या होता है दोस्तों?
तो इसमें दोस्तों है आरएनए होता है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन वैज्ञानिक टीएमबी से संबंधित नहीं है, तो इसमें जो है संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पादप विषाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विजयरंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आहार में फाइटोप्थोरा झुलसा का प्रबंधन होता है, किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो इसमें जो है दोस्तों उपयुक्त सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन रोगों के जैविक प्रबंधन में उपयोग नहीं होता है, तो कौन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ट्राइकोडर्मा हर्जीएनम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में कौन सी कवकनाशी झोंका रोग के लिए प्रभावी है, तो कौन सी दोस्तों है प्रभावी, तो दोस्तों इसका आंसर अभी तक नहीं मिल पाया, यदि आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य ही बताएं। और दोस्तों मेरे शेयर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आपका फ़ायदा होता रहेगा और अच्छे अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरहर के सॉफ्ट रॉट रोग का कारक है, तो कौन है, पिथियम है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, दोस्तों ये 39 नंबर भी मुझे नहीं मिल पाया है, यदि आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीन के जीवाणु झुलसा का कारण है, तो कौन दोस्तों कारण है, जिंथोमोनास है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मक्के में डंठल विगलन रोग का रोग कारक है, कौन है रोग कारक, उपयुक्त सभी होंगे इसमें, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है दोस्तों डी सही होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा, मक्के का ज्वार मृदुरोमिल आस्था जो है स्क्लेरोस्पोरा सोरघाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 43 नंबर, कोसीफर फसल के काला विगलन रोग का कारक है, तो कौन है दोस्तों, इसका भी दोस्तों आंसर अभी नहीं मिल पाया, यदि आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य ही बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रूसीफर के अल्टरनेरिया पर्ण धब्बा रोग का विशेष लक्षण क्या होता है, संकेतित घेरा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैंगन के फोमोसिप्स सीरता रोग का रोग कारक किस रूप में जीवित रहता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है दोस्तों इसमें भी दोस्तों अभी मिल नहीं पाया आंसर, वैसे 50% ये मृदा में कवक जाल जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्लेरो रोटिनिया रोग का कारक दोस्तों कौन सा है, तो ये सॉयल बॉर्न होती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मृदा में स्क्लेरो रोटिनिया अंगमारी रोग की उपयुक्त नियंत्रण विधि है, तो कौन सी है दोस्तों, इसमें सभी होंगे, फसल चक्र, मृदा सौंदर्यीकरण और गर्मी में जुताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 48 नंबर, हरी मूंग के सरको स्पोरा पर्ण धब्बा रोग का रोग कारक है, तो दोस्तों इसमें जो है सरको स्पोरा बेटिकोला है दोस्तों, मेरे नोट्स से आपने पढ़ा होगा तो 10 से 12 नंबर का उससे आया हुआ है दोस्तों, तो दोस्तों